नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के कविता न्यायिक हिरासत में है। पिछले दिनों की कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। अब सीबीआई की कार्रवाई के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता रोहन गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। पिछले महीने रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। रोहन गुप्ता ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि मोदी का जो सपना है देश के लिए, उसे देखकर लगा कि हमें भी इस सपने में योगदान देना चाहिए। बता दें, कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए रोहन गुप्ता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री और बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे के बगावती सुर दिखने लगे हैं। उनका एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बक्सर में मैं ही रहूंगा, अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। किसने क्या समझा नहीं समझा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ षड्यंत्रकारी थे जो चुनाव के बाद नंगे होंगे। जो भी होगा मंगलमय होगा। अश्विनी चौबे ने ये बातें 8 अप्रैल को पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही थी। इसका वीडियो अब सामने आया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बेटिकट हो जाऊंगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सैनिक स्कूलों के निजीकरण का मुद्दा इतनी आसानी से बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सैनिक स्कूलों में एक राजनीतिक विचारधारा लाने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और नीति को पूरी तरह से वापस लेने और करार किए गए समझौता विज्ञापनों को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक आरटीआई से मिली जानकारी के हवाले से कहा है कि बीजेपी सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में पीपीपी मॉडल के लागू किए जाने के बाद निजीकरण हो रहा है और उसमें लगभग 62% स्कूलों का स्वामित्व बीजेपी व संघ से जुड़े लोगों के पास है। केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा पर झारखंड हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिका में त्रुटि ना सुधारने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुंडा ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। बता दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर सचिवालय की ओर मार्च निकालने के दौरान पुलिस के साथ झड़प में शामिल होने के आरोप हैं। इसी संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला 11 अप्रैल 2023 का है। गुजरात सरकार ने अब साफ तौर पर कहा है कि बौद्ध धर्म अलग धर्म है, इसलिए हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये सर्कुलर गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा 8 अप्रैल को जारी किया गया था। दरअसल सरकार ने पाया था कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आने वाले आवेदनों को नियम के तहत नहीं ट्रीट किया जा रहा था। लोकनीति सीएसडीएस ने सर्वे किया है जिसको द हिंदू ने छापा है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना है, इस बारे में अंतिम फैसला लेते समय आपके लिए कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसके जवाब में 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, 23% ने कहा कि महंगाई बड़ा मुद्दा होगा, विकास के पक्ष में 13% लोग रहे, 8% ने कहा कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा और 8% ने ही कहा कि राम मंदिर मुद्दा रहेगा। सिर्फ 2% ने कहा कि हिंदुत्व मुद्दा रहेगा। इंडियास इंटरनेशनल इमेज के पक्ष में 2% लोग रहे और रिजर्वेशन को 2% ने मुद्दा माना। 6% ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है। इस बार बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें प्रमुख मुद्दा हैं, लेकिन 2019 में ये दोनों मुद्दे प्रमुख मुद्दे नहीं थे। 2019 के सीएसडीएस लोकनीति चुनाव सर्वे के अनुसार 2019 में बामुश्किल 6 में से 1 आदमी इन मुद्दों को अहमियत दे रहा था, लेकिन 2024 में हालात बदल चुके हैं। वहीं अब 50% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई आगामी चुनाव में सबसे अहम मुद्दे होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी को उम्मीद है कि राम मंदिर की लहर के चलते वो भारी बहुमत के साथ लगातार 3री बार सरकार बनाएगी। ऐसे में ये सर्वे बीजेपी के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में 2/3 से ज़्यादा लोगों ने माना कि पहले की तुलना में अब नौकरी हासिल करना मुश्किल हो गया है। शहरी पुरुषों में इसकी संख्या ज़्यादा है। 3/4 लोग बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। 2/3 लोग मानते हैं कि पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों के गरीब लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, जबकि शहर के मध्यम वर्ग और संपन्न वर्ग में इसका ज़्यादा असर नहीं है। अधिकतर लोग महंगाई बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं।
CSDS के सर्वे के अनुसार नौकरी मिलने में मुश्किल की चिंता मुसलमानों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में अधिक पाई गई। वहीं जिन लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना आसान है उनमें 17% अग्रणी जाति के हिंदू शामिल थे। वहीं सर्वे में शामिल 71% लोगों ने बीते सालों में महंगाई बढ़ने की बात भी कही। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि चूंकि चुनाव प्रचार तेज हो गया है, पूरे भारत में हमारी संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोगों को बीजेपी के जुमले का एहसास हो रहा है। सरकार से लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस के वादे जनता के बीच अच्छा काम कर रहे हैं और लोग इसे अच्छी भावना से ले रहे हैं और बीजेपी 200 सीटें पार नहीं करने वाली है। इस साल अप्रैल मई महीने में भारत से करीब 6000 मजदूर इसराइल जाएंगे। इस बारे में इसराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई है। अक्टूबर 2023 से गजा पर इजरायली हमलों के कारण इसराइल कामगारों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। संघर्ष शुरू होने से पहले फिलिस्तीनी क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग इसराइल काम करने जाते थे। उसी कमी को दूर करने के लिए भारत से मजदूर भेजे जा रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत भारत से मजदूर इसराइल भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में CAA, NRC और समान नागरिक संहिता यानी UCC नहीं लागू होने देंगे। वो कोलकाता के रेड रोड इलाके में ईद की नमाज के लिए जुटे लोगों को संबोधित कर रही थी। पीएम मोदी ने चीन से विवाद को लेकर अपनी बात रखी है। मोदी ने कहा कि हमें तत्काल समाधान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चीन और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। चीन पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में रहते हुए एक इंच भी जमीन कोई कब्जा नहीं करेगा। जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। POK पर उन्होंने कहा कि POK हमारा था और रहेगा। अगर पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद को काबू करने में असमर्थ है तो भारत सहयोग करने को तैयार है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और रॉकेट लॉन्च व्हीकल बनाने वाली कंपनी SpaceX के मालिक एन मस्क ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए मैं उत्सुक हूँ। हालांकि मुलाकात कब होगी, भारत में होगी या कहीं और, इसे लेकर मस्क ने कोई जानकारी नहीं दी है। बिजनौर में BSP के सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जैन चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान की चेतावनी के बीच इसराइल को हर संभव मदद का वादा किया है। ईरान ने इसराइल कार्रवाई की चेतावनी दी है। पिछले दिनों सीरिया में हुए हमले में कई ईरानी मारे गए थे। बाइडेन ने कहा कि हम इसराइल की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेंगे। ईद के मौके पर अपने संदेश में ईरानी नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में इसराइल का हमला ईरान पर हमला है और इसकी सजा दी जाएगी। अब तक के सुर्खों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।